पिछले क्लास में कुछ एनिमल्स का स्पीड का टेबल दिया गया था। अब हम लोग जैसा कि भी बोला गया था कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को पढ़ते हैं। टॉपिक का नाम मैं लिख दूं, यूनिफॉर्म स्पीड, जिसका दूसरा नाम कांस्टेंट स्पीड भी कह सकते हैं। सेकेंड टॉपिक नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी कहें तो गलत नहीं है, स्पीड या मोशन एक ही बात है। इसको कहेंगे वेरिएबल स्पीड, यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म स्पीड या कंस्टेंट स्पीड या कंस्टेंट मोशन। स्पीड के बदले आप मोशन भी यूज कर सकते हैं। चलिए, आपने पढ़ा पहले स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, पढ़ा फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले के बेस पर हम इस थ्योरी को डील करेंगे। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। मानकर चलिए कि फर्स्ट 2 सेकंड में कोई गाड़ी चला 2 सेकंड तक, उन्होंने डिस्टेंस ट्रेवल किया 10 मीटर। पहले 2 सेकंड में 10 मीटर, फर्स्ट 2 सेकंड में 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है। आपसे यदि स्पीड पूछा जाए तो डिस्टेंस बाय टाइम करिएगा, 10/2 करिएगा, स्पीड क्या हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। अगले 2 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल किया फिर से 10 मीटर, स्पीड क्या होगा डिस्टेंस बाय टाइम 5 मीटर पर सेकेंड। अगले 2 सेकंड में वो 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसका मतलब उसका स्पीड हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। अगले 2 सेकंड में 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया तो उसका स्पीड हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। क्या कर क्या रहे हम लोग, इक्वल इंटरवल है टाइम का, 2 2 2 2 सेकेंड, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर एंड 10 मीटर। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में यदि कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे, इसका सीधा मतलब है उसका स्पीड फिक्स है, उसका स्पीड कंस्टेंट है, यूनिफॉर्म है ना, 5 5 5 आया ना। यदि कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे तो उसका स्पीड यूनिफॉर्म यानी कंस्टेंट बोला जाता है। मानकर चलिए इस एग्जांपल को मैं मिटा दूं, आप लिख भी सकते हैं नोट भी कर सकते हैं रफ में, कोई बात नहीं। मानकर चलिए फर्स्ट 2 सेकंड में 12 मीटर चला, उसका स्पीड हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। फिर 4 मीटर पर सेकेंड चला अगले 2 सेकंड में, आप बताए 4/2 2 मीटर पर सेकेंड। फिर 20 मीटर चल गया अगले 2 सेकंड में, तो उसका स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। अगले 2 सेकंड में वो मानकर चलिए 40 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिस्टेंस हो जाएगा 7 मीटर पर सेकेंड। का मतलब क्या है, इक्वल इंटरवल में क्या डिस्टेंस इक्वल कवर किया है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया, इसका यह मतलब है उसका स्पीड कभी बढ़ रहा होगा कभी घट रहा होगा, यानी स्पीड कंस्टेंट नहीं होगा, यूनिफॉर्म नहीं होगा, तो क्या होगा नॉन यूनिफॉर्म होगा। जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करे, अनइक्वल करे, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे, तब कहते हैं उसका स्पीड नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब बदलता है स्पीड, चेंज हो रहा है उसका स्पीड। यदि हम भीड़ भाड़ वाले सड़क पर गाड़ी लेकर चले तो आपको क्या लगता है, फिक्स स्पीड से चल सकते हैं, पार कर सकते हैं भीड़ को? बिल्कुल नहीं। मोशन ऑफ ए कार, मोशन ऑफ ए बस ऑन क्राउडेड रोड, जब आप अपने स्कूल से घर आते हैं, मार्केट में बस रहती है, तो क्या आपके बस का स्पीड यूनिफॉर्म होता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपके इक्वल इंटरवल में आपके बस का इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करती है। तो यानी कहने का मतलब है स्पीड ऑफ ए बस ऑन क्राउडेड रोड, भीड़ वाले रास्ते पर बस का स्पीड नॉन यूनिफॉर्म होगा। अब ये यूनिफॉर्म का एग्जांपल दीजिए, लाइट को जब यहां से छोड़ा जाए, इन टॉर्च को जलाए आसमान में, वो फिक्स स्पीड से चलता है। लाइट का स्पीड होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है।
यदि रोड खाली है, हम अपनी गाड़ी को लेकर चले, तो इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया जा सकता है, यूनिफॉर्म स्पीड से हम लोग चल सकते हैं। चलिए डिस्कशन तो किया गया, डेफिनेशन में इसका लिख दूं, आधे इधर आधे उधर में, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट्स स्पीड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म मोशन। एग्जाम्पल में स्पीड ऑफ लाइट इन वैकम, जिसका वैल्यू होता है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3×10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। आप जानते हैं कि लाख में 5 होता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड या मीटर में 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, जिसका वैल्यू होता है 332 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से ये यूनिफॉर्म स्पीड का एग्जाम्पल हुआ। आइए नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल, देखिएगा एक ही वर्ड का डिफरेंस है, इक्वल कवर्स इक्वल डिस्टेंस, वहां अनइक्वल लिखा गया, अनइक्वल मतलब बराबर नहीं, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, then its speed is called non-uniform speed, कुछ इस तरीके से। और example दिया जा सकता है, speed of a bus ऑन ए क्राउडेड रूट, या किसी हाइट से बॉल गिरा दे, उसका स्पीड बढ़ता हुआ जाता है, स्पीड ऑफ ए बॉल ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट। इस तरीके से बहुत अच्छा टॉपिक था, जो कि आगे भी जाकर आप लोग इसको पढ़ेंगे। ये था आपका यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, जिसको आपने समझा, इसको आप नोट्स करके रिपीट करते रहेंगे और डेफिनेशन को याद करेंगे, ठीक है। थैंक यू। अगर समझ गए तो डेफिनेशन याद करने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, ये भी एक बात है, थोड़ा सा देखेंगे बस याद रह जाएगा, लेकिन आप इसको रिवाइज बार बार करेंगे पीछे से लेकर यहां तक अप टू डेट। थैंक यू।